भगवत भक्तों का आप दीदार कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, सत्संग प्राप्त कीजिए। अभी चर्चा चल रही थी दास की, तो दास का सबसे अच्छा उदाहरण और जिनके जीवन में सादगी है, ऐसा उदाहरण आपको चाहिए तो वो हमारे गुरुजी। आप सबने दर्शन भी किए होंगे मोबाइल पर, टीवी पर। तो यदि आपको कहीं दास देखना है भगवान का और संसार का, तो हमारे गुरुजी के दर्शन कीजिए भाई। संसार के लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, और ये तो बात सच है, जो भक्ति के मार्ग पर समाज की सेवा में चलेगा उसको लोग बोलेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अभी ये गौशाला भी चल रही है ना, तो इस गौशाला में काम करने वाले लोगों को भी लोग कहते हैं कि गौशाला से अपना मकान बना लिया, नई बाइक ले आए तो गौशाला के पैसे से ले आए। ये संसार उल्टा चलता है। गुरु जी को बोलते हैं कुछ लोग, हमको बोलते हैं कुछ लोग कि पाखंड है, पाखंडी हो। लेकिन जिसने जाकर दर्शन किया है या गुरु जी से मिले हैं, उनकी सादगी को देखा है, आपको और हमें तो इतना लगता है कि वो पैसे का करते क्या है, इतना पैसा रोज मंगा रहे हैं। अवसर मिले तो एक बार जाना गौरी गोपाल आश्रम। सबसे पहला दर्शन वहां वृद्ध माताओं का है। एक बेटा अपनी मां को नहीं रख पाता जिस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव रखते हैं। उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके लिए एक एक महिला जो कि नौकर के रूप में छोड़ रखी है, सर्दियों में उनके लिए कूलर, गर्मियों में कूलर आदि की व्यवस्था, एसी आदि की व्यवस्था, प्रत्येक समय जाकर स्वयं अपने हाथों से उनको भोजन प्रसादी पवाते हैं या शाम सवेरे जाकर मिल के आते हैं। हर कमरे को इतना अच्छा वीआईपी रूम बनाया गया है कि उनको ये एहसास ना हो कि हम किसी को छोड़कर आए। दूसरा दर्शन आप करोगे तो संतों की सेवा, कि संतों को किस समय क्या चाहिए, वर्षा में छतरी चाहिए या कोई पात्र चाहिए या फिर उनको कोई ओढ़ने का वस्त्र चाहिए, समय समय पर उनके लिए दवाई, भोजन, और भोजन भी कैसा, जो स्वयं करते हैं वही संतों के लिए बनता है, जो स्वयं करते हैं वही भक्तों के लिए बनता है। लोग कहते पैसा कमाने का ढंग है। चौथा दर्शन रसोई का, भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की रसोई गौरी गोपाल की रसोई है, जहां 50,000 से अधिक लोग प्रतिदिन भोजन पा रहे हैं, वो भी निस्वार्थ निष्काम रूप से। कोई पैसा नहीं लगता आपका वहां पर, आप जाइए प्रसाद पाइए, यहां तक कि बर्तन भी आपको साफ नहीं करने, ऐसी सुंदर रसोई। और स्वयं बताते हैं गद्दी से कि जो इस भारत का सबसे महंगा चावल है वो उसमें उपयोग में आता है, सबसे महंगा आटा है वो उसमें उपयोग में आता है। ऐसी सादगी जीवन में उतारिए। फिर दर्शन आता है गौ माता का। 500 से 700 गौ माता है, 280 वृद्ध माता है। उन गौ माता की सेवा कैसी होती है, यदि सर्दी है तो सर्दी के अनुकूल, गर्मी है तो गर्मी के अनुकूल, और ये नहीं किसी को बोल दिया जाओ करो सेवा, स्वयं सुबह जाते हैं, किस चीज की कमी है, कैसे क्या खिलाना है, हर चीज का निरीक्षण करके फिर लौटते हैं, बंदरों की सेवा करते हैं। फिर दर्शन आता है गौरी गोपाल गुरुकुल का, जहाँ 150 से अधिक बच्चे हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके किताब, वस्त्र, खाना पीना सब निःशुल्क, उनके लिए गुरुजी, गुरुकुल, जो उनको पढ़ाने के शिक्षक है सब निःशुल्क। हम तो कह देते हैं कि महाराज जी खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक बार जाकर झांक कर देखिएगा कि व्यवस्था क्या चल रही है। ज्यादा भी नहीं तो प्रतिदिन का खर्चा 30 से 35 लाख रुपए आता है, एक दिन का खर्चा। तो ये बताइए, अगर वो ले रहे हैं आपसे तो वो लगा भी तो रहे हैं। पहले जब वृंदावन जाते थे तो हमें भोजन की व्यवस्था नहीं मिल पाती थी ठीक से, लेकिन आज आप जहां कहीं उतरो एक बार नाम लो गौरी गोपाल का, बस गौरी गोपाल है, गौरी गोपाल।
अभी उनका सपना चल रहा है कि सबके रहने की व्यवस्था और करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। अभी नया आश्रम बनने लग रहा है, लगातार कार्य चल रहे हैं। तो अगर सादगी देखनी है तो उसके उपरांत भी इतना धन, इतना नाम, इतनी प्रतिष्ठा होने के बाद भी उनके मन में इतना सा अभिमान नहीं है। सबको बराबर समान रूप से वो दर्शन देते हैं, मिलते हैं, आप जाओ बात करो, कोई अभिमान इतना सा। ऐसी सादगी जिनके जीवन में, लोग उनके ऊपर ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसी ऐसी वीडियो बनकर आती हैं, उनको ये नहीं पता कि आपकी बुराई से हमारे गुरुजी तो और प्रतिष्ठा जमाते जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति की बुराई की जाती है इसका मतलब उसमें कुछ खासियत है। जिस व्यक्ति की बुराई की जाती है यानी उस व्यक्ति में कुछ खासियत है, चाहे वो कोई भी हो। और हमें तो खुशी होती है भाई,